2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दल नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि साथ मिलकर लड़ा जाए तो ही बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रख राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी शामिल हुए और उन्होंने कांग्रेस और बसपा के बीच चल रही बातचीत का भी जिक्र किया। सभी जानते हैं कि बसपा और सपा के बीच संबंध ठीक नहीं है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या बीएसपी के से कांग्रेस की बातचीत चल रही है, यदि चल रही है तो कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे। इसके बाद समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन को लेकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेगी। इस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन का कोई इरादा नहीं है और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी के साथ ही गठबंधन करेगी। दरअसल अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से चल रही चर्चाओं के कारण परेशान थे, जिसके अनुसार कांग्रेस और बसपा में बातचीत चल रही है। अब उन्हें मीटिंग में ये बात उठाकर मामला स्पष्ट कर दिया। साथ ही इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री पर लक्ष्मण रेखा भी खींच दी।